सचमुच किसी अच्छे कार्यक्रम में मैं आया हूँ। ऐसा लगा कि कार्यक्रम किस तरह से करवाना चाहिए, ये ठीक है, ये हिंदुस्तान टाइम्स है और इनके हाथ में पूरा तंत्र है, सब कुछ है, मगर एक मोहब्बत जो होती है लोगों के लिए और किस तरह से अपने कलाकारों को, फनकारों को, अपने जितने अतिथि हैं उनको कैसे उनका स्वागत किया जाए, तो इसके लिए उन लोगों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो एक बात तो तुमने कह दी कि मीठे पानी से निकला था और गया खारे पानी के तरफ, तो मुझे पता नहीं था कि पानी में भी फर्क होता है। मैंने समंदर कभी देखा ही नहीं था, हम तो हमेशा मीठी नदियों का जल पीने वाले लोग, हम तो रोज शाम को भांग और गंगा का पानी पी के शामें गुजारते थे। जब समंदर किनारे पहुंचे तो लगा कि अरे बाप रे बाप रे, तो बड़ी मुश्किल जगह है। बहुत मैं एक बात कहना, भाई मेरा संघर्ष हुआ है वो मुझे कभी नहीं भूलता। सफलता मिल गई, सब कुछ मिल गया, जितने सपने देखे थे उसे बहुत ज्यादा दे दिया ईश्वर ने, मगर इसको मैं याद नहीं करता। मैं उन दिनों को याद करता हूँ जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। एक और बात बताइए, इतना संघर्ष क्यों? क्योंकि जो स्वर्गीय की जान है वो तो थे पहले से इंडस्ट्री में, तो फिर एक स्टेबल गीतकार के बेटे को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? ये कभी अभिषेक बच्चन से जाके पूछो तो बता देंगे तुमको सही जवाब। बड़े बाप का पुत्र होने का दो होता है, वरदान और अभिशाप दोनों था। लोग जब मैंने लिखना शुरू किया, एक तो मेरी हाइट कम थी और उम्र भी बहुत कम थी, तो लोगों को लगता था कि अनजान जी ने एक घोस्ट राइटर बना लिया बेटे को और उसको भेज के गाने लिखवाते हैं, तो लोग मेरा इम्तिहान लेने लगे और मुझे कंपेयर करने लगे। अब पिताजी 40 साल से इंडस्ट्री में और उस वक्त जब मैं पहुंचा तो नंबर वन की पोजीशन पर थे, तो उसमें मुझे बहुत तकलीफें हुई। एक बार मैंने उनसे कहा कि पापा आप कभी बोलिए किसी को, तो केवल एक बार उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बोला था कि लक्ष्मी जी मेरा बेटा बहुत संघर्ष कर रहा है, आप कहाँ एक गाना इसको मिल जाए तो इसका संघर्ष कम हो जाए। पिता के जूतों में पैर रखना भी काफी मुश्किल होता है। तो लक्ष्मीकांत ने उनसे कहा कि अनजान आज तो तुमने कह दिया, दोबारा कभी कहना मत, इसको बोलो अगर इसमें उतनी ताकत है और इसमें कितनी राइटिंग में दम है तो मुझे प्रूफ करके बताया कि अनजान का बेटा है। और एक बात याद रखना, बाप की दुकान बाप की होती है, बेटे की दुकान बेटे की होती है, दोबारा बोलना मत वरना इसको काम मिलना भी होगा तो नहीं मिलेगा। और उस लक्ष्मीकांत के यहाँ काम लेने के लिए मुझे उस एक डायलॉग को साबित करने के लिए 5 साल लगे। साल पर आते हैं और पिता पुत्र के संबंध पे आते हैं। एक इंटरव्यू में आपने कई जगह कहा है, एक इंटरव्यू मैं भी देख रहा था जब मैं आपका रिसर्च कर रहा था, कि 23 साल में मात्र 3 बार चले आप अपने पिताजी से। ये भी क्योंकि मैं जब मुंबई गया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने पिता से मिल रहा हूँ, क्योंकि जब बड़ा वो भी चलता था कि भाई उस दौर के लोग अपने बच्चों को भी खिला नहीं सकते थे, लोग बोलते थे मेरा हो गया है, देखो अपनी बेटी को लेके खिला रहा है। तो पिताजी की गोद में जब एक बार मुझे डाला गया तो केवल 2 मिनट मुझे देख के तुरंत अपने भाई को दे दिए, भाई तुम संभालो। तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये जानने में मुझे कम से कम 4 साल लगे कि मेरे पिता, जब मैं उनके साथ बैठता था तो मुझे लगा मैं किसी रिश्तेदार के साथ बैठा हूँ, किसी दोस्त के साथ बैठा हूँ। धीरे धीरे जब वो बहुत बीमार हुए, उनकी सेवा में लगा और धीरे धीरे महसूस करना शुरू किया, तब लगा कि ये मेरे पिता। तो मेरी जिंदगी बड़ी अजीबो गरीब रही था मैं। अच्छा, इसी जिद में उन्होंने मुझे कॉमर्स पढ़ाया कि तुम लिटरेचर की तरफ मत जाना वरना तुम लिखना शुरू करोगे, और होता वही है जो होना है। लेकिन बाद में तो ये संबंध काफी फ्रैंक हो गया। एक संस्कृत का श्लोक है, लाल ये पंचवर्षाणी षडवर्षाणी ताड़िये प्राप्त तू सोरसे वर्षे पुत्रम मित्रम विवाचरे। जो बच्चा होता है वो छोटा होता है तब लाडला होता है, 6 साल तक उसको मारपीट के ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब वो 16 साल का हो जाता है तो वो मित्र के बराबर हो जाता है। ऐसे ठेठ बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जब पिता का जो जूता है वो अगर बेटे के पैर में आने लगे तो वो दोस्त हो जाते हैं। तो बाद में तो काफी फ्रैंक कन्वर्सेशन हुई आपकी, उन्होंने पूछ दिया आपसे कि कभी कोई प्रेमिका नहीं है क्या? नहीं, और सवाल ये नहीं कि जब वो सवाल उन्होंने किया कि
तो वो वक्त बहुत खराब था, वो टाइम ये सवाल पूछने का नहीं था। अगर वो घर में बैठ के दोस्तों की तरह मुझसे पूछते तो मैं समझ सकता था कि हाँ इन्होंने मुझे हिदायत के लिए पूछा या वे मेरे दोस्त की तरह इसलिए पूछा। पूछा उस वक्त जब 23 साल के बाद जब मैं उनसे मिला मुंबई में और मैं संघर्ष की आग में जल रहा था और उन्होंने मुझे वहाँ बुला के पूछा कि तुम मेरे मना करने के बाद भी शहर में आए। मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, अगर इन 3 सवालों का तुमने सही जवाब दे दिया तब तो मैं तुमको इस शहर में रहने की इजाजत दूंगा, नहीं तो तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। और मैं जला हुआ था, मैं सोच के गया था, बड़ी नाराजगी थी मुझे उनसे। मैंने सोचा था जो पूछेंगे उसका 2 टूक जवाब दूंगा मैं। और उन्होंने पहला सवाल ही पूछ दिया कि तुमने कभी किसी लड़की से मोहब्बत की। 2 सेकेंड का पॉज कर लिया। मैंने बोला यार इस वक्त ये सवाल समझ में नहीं आया। तो चूंकि मैं सोच के गया था कि मैं बोलूंगा तो सच, मैंने बोला हाँ किया था। क्या सोच के किया था? फिर दूसरा और मुश्किल सवाल, और मेरी उम्र उतनी मैच्योर नहीं थी कि मैं हर सवाल का सही जवाब, मगर ये जवाब पक्का था कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा। मैंने बोला पापा तू प्यार करता है तो सोच के नहीं करता। अब उन्होंने पूछा कि अब तुम पूछो कि मैंने तुमसे इस वक्त ये सवाल क्यों पूछा। और मेरे मन में अकुलाहट थी, मैं पूछना ही चाहता था, तो मैंने बोला हाँ बताइए। बोले कि उस दिन मुझे लगा कि मेरे पिता इस दुनिया के सबसे बड़े फिलासफर हैं। उन्होंने कहा कि 2 वजह से पूछा बेटा, ये इंडस्ट्री जो है ना ये एक महबूबा की तरह है, और ये बावफा भी हो सकती है ये बेवफा भी हो सकती है, मगर जो सच्चा आशिक होता है ना वो भागेगा नहीं, वो मर जाएगा इश्क में मगर महबूबा को छोड़ेगा नहीं। भागने और संघर्ष की बात हुई है तब बताइए, हम जितने बैठे हैं सिर्फ वैसे आपकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है, बाकी सारे इंडस्ट्री में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होता है, जो करियर में उतार चढ़ाव होते हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं? बेटा ये काम नॉर्मल लोगों का नहीं है, ये पागल लोगों का काम है, जैसे भोजपुरी वाली का काम है ये। तो ये अगर आप पागल नहीं है ना तो आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी दर्द इसमें मिलते हैं ना, इतनी तकलीफें मिलती हैं। मगर वही है कि अगर आपको सच्चाई इश्क है ना तो आप मार भी खाते हैं उस लड़की के लिए, मगर वो गलियों में जाने को नहीं, उन गलियों में जाना छोड़ते नहीं है। तो चूंकि हम सच्चे आशिक थे तो हमने मार भी खाई, हमने जुदाई भी सही, हम रोए भी, हम भूखे भी सोए, मगर उन गलियों में जाना नहीं छोड़ा।